नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हो गई है बल्ले बल्ले, मिलेगा 18 माह का DA और DR का एरियर। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों कोरोना काल में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के डी और डी आर का 18 माह का बकाया मिलने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जल्द ही सकारात्मकता वाला फैसला मिल सकता है। उधर केंद्रीय कर्मचारियों का सरकार पर बकाया राशि जारी करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से DOR/DR के एरियर को तत्काल जारी किया जाए। इस संबंध में सरकार के साथ भी चर्चा हुई है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव और सदस्य बकाया राशि करने के तरीके पर भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनरों को फायदा मिलने वाला है। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2022 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 34% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर 34% होने पर 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। पिछले साल केंद्रीय कर्मचारी का डीए 17% था। इसके बाद सरकार ने जुलाई महीने में डीए में 11% की बढ़त कर दी थी, जिसे केंद्रीय कर्मचारी का डीए 17% से बढ़कर 28% हो गया था। इसके बाद डीए में 3% का इजाफा हुआ, जिसे केंद्रीय कर्मचारी का डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़त कर दी है, जिसे महंगाई भत्ते में 31% की दर से 34% की वृद्धि हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए के साथ बढ़ा हुआ एरियर भी दिया जा सकता है। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार डीए को पहले के 31% से 3% बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। घोषित बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से प्रभाव में आई। डीए में बढ़ोतरी से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा हुआ, बल्कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। दोस्तों केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द 18 मंथ एरियर डीए दे सकती है। लगातार इसका प्रयास चल रहा है कि मोदी सरकार इस पर केंद्रीय कर्मचारी के खाते में 2 लाख रुपए जमा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी के डीए और फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको बता दें कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी को 2 लाख तक का लाभ हो सकता है। दरअसल अभी तक डीए को 18 मंथ के एजेंट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है। सरकार ने अब जनवरी 2020 से जून 2021 तक के एरियर का भुगतान करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है और जल्द ही कर्मचारियों के खाते में पैसा डाल सकती है। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक JCM के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द ही संयुक्त बैठक होनी है। उम्मीद है कि बैठक के दौरान 18 महीने के डीए एरियर का भी फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अक्टूबर 2021 से 17% और 31% तक कर दिया गया था। हालांकि अब तक केंद्रीय कर्मचारी के खाते में एरियर जमा नहीं किया गया है। दोस्तों लेवल 1 के कर्मचारी के डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है, जबकि लेवल 13 के कर्मचारियों की बात करें तो उनका 7th पे कमीशन बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये के बीच में बनेगा।
अगर लेवल 14 के बेसिक पे पर कैलकुलेशन की जाए तो कर्मचारी का मूल वेतन डीए एरियर 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये के बीच में बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।